भरोसा। संभालो खुद को बेटा, हिम्मत से काम लो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है अभी? जब मैं किसी रास्ते पे चलने का इरादा करती हूँ तो वो बंद गली साबित क्यों होता है? सब रब की आजमाइश है मेरी जान, गुजर जाएगा ये वक्त भी। आजमाइश हर बार मैं ही क्यों? अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं ना, और उन लोगों का क्या जो दूसरों पर जुल्म ढाते हैं और आयशी की जिंदगी गुजारते हैं? अल्लाह इंसाफ करते, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते बेटा। रस्सी दराज कर देते हैं, छूट देते हैं, इट पकड़ सबकी होती है। तुम बदला नहीं ले सकती लेकिन अपने हक में दुआ तो कर सकती हो ना, बस दुआ करो। हर रोज हर वक्त यही दुआ करती थी अम्मी कि ये जो वलीद के साथ वक्त गुजार रहा है वो कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे से कभी जुदा ना हो। फिर भी जुदाई आ गई खिजा के मौसम की तरह। आप जानती हैं मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा कि जैसे मैं और वो अब कभी एक साथ नहीं होंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन रोजा वो वक्त गुजर गया ना, तुम फिर से वलीद से मिल गई और अब फिर जुदाई। हर बार ये कैसा इम्तिहान है मेरा। ये आरजी जुदाई तुम दोनों के ताल्लुक को और मजबूत बना रही है। तुम परेशान ना हो बेटे, इतना कमजोर रिश्ता नहीं है मेरे साथ। तुम अपने रब से इसकी मजबूती की दुआ करो और ये टूट जाए। सिर्फ आरजी तकलीफ है, वो गुजर जाएगा तो देखना। आपको पता है मुझे मुझे वलीद पे बहुत गुस्सा आता है। तो देखना गुस्सा, मुझे यकीन है अल्लाह पाक उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत गहरी कर देंगे और तुम्हें उस पर यकीन अदा कर देंगे। बस तुम हिम्मत और हौसले से काम लो और अल्लाह से दुआ करती रहो। मजा ही आ गया मुझे। तुम क्यों आज इतने खुश हो? मेरी जान खुश कैसे ना हो, जो कल रात को रूसा के साथ हुआ है, मजा ही आ गया। मेरी बात सुनो, तुम बीनी को वहां क्यों छोड़ रहे बेवकूफ? अगर उसने अपनी माँ को कुछ बता दिया तो हमारे 15 दिन की मेहनत जाया हो जाएगी। माना मेरी जान कि तुम बहुत ज्यादा अकलमंद हो लेकिन बेवकूफ मैं भी नहीं। कल रात जो रूसा के साथ हुआ है ना, तो बीनी की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ रूसा पर। यस, और मैं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर, साथ में नाश्ता कर ले, मगर आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा अपने हाथों से, ओनली फॉर यू। ओके। और जोर से मारती हो मेरी जान। चलो मिलके नाश्ता बनाते। रोसा क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, चक्कर आ रहे हैं, शायद गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। आराम करो, किसने कहा है तुम्हें इतना काम करो किचन में? चलो, किसने कहा था इतना काम करो तुम? हाँ नहीं,
है, तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल, कमीनी। आ! वाकई वो ख्वाब था, मगर उस थप्पड़ की तकलीफ मुझे हकीकत में क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई मैं इतनी खौफजदा हो गई हूँ बबली से कि वो ख्वाब में भी आके मुझे डराने लगी है? नहीं, मैं अभी वापस जाके उसे फारिग करती हूँ। अब मजीद उसे घर में मैं अपने बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, बीनी आ जाए मॉम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? रात अच्छी गुजरी? अच्छी तरह से सोई? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी को तो दूर कर दिया ना मैंने। हाँ बीनी, I can't believe it. बस मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अरूसा का इस तरह से पत्ता साफ किया जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। Incredible. बस कभी कभार अचानक से ही कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की। अब आप यकीन कर लो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अरूसा से समझौता भी कर लिया था कि जैसी भी है वलीद का ख्याल रख रही है, संभाल रही है। अब वो मजनू बन के पागलपन करेंगे तो क्या करेंगे? इसी की तो फिक्र और परेशानी है बीनी। मैं चाह रही थी तुम कुछ दिन यहीं पे रह लो ना। आई नीड यू। नहीं मॉम, मैं और नहीं रुक सकती। राहिल मना करेगा? नहीं नहीं, राहिल तो कभी मुझे यहाँ आने से नहीं रोकता, रुकने से नहीं रोकता, लेकिन बस मैं और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा राहिल अपना काम करता है, उसको काम करने दो। तुम क्यों हर वक्त सोच में रहती हो, अपने आप को हलकान कर रही हो? तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं वाकई बहुत बहुत कमजोर हो गई हूँ? वाकई जैसे सदियों से बीमार। आई एम वरीड अबाउट यू। राहिल भी दिन रात ही बातें करता है। तो फिर ऑल द मोर रीजन अपने ऊपर तवज्जो दो ना। जाने तो जहान है बीनी, मुझे पता है ना, खुदा ना खासा तुम्हें कुछ हो गया तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मॉम, अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि चले रशीद चाचा को बोले ना एक अच्छा सा नाश्ता बना दे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बाहर ना जाए रशीद चाचा, मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाती हूँ। लव। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो मम्मी जी यही नादिर मौका है वलीद भाई को इस खुशखबरी के बारे में बताने का। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, ना वलीद को और ना मामी जान को। पागल हो गई हो तुम? आदमी कितना ही जालिम और जाबिर क्यों ना, औलाद की खुशखबरी सुन के बड़े बड़े तुरम खान अपना सर झुका देते, और वैसे भी यही मुनासिब वक्त। अब प्लीज इस मौके को गवा मत देना उरूसा अपनी बेवकूफी से। मम्मी जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बात में वजन तो है। मेरा वजूद, मेरी जात किसी के लिए अहम नहीं है। क्यों नहीं है मेरी जान? तुम्हारी जात की अहमियत तो अब सबसे ज्यादा है। देखो ये तुम्हारा अपना घर, जितने दिन चाहो यहाँ आराम से रह सकती हो, लेकिन कम से कम अपने शोहर को इस खुशखबरी के बारे में तो बता दो ना, इसमें तुम्हारा फायदा है। Thank you.
लाल तुम जा रहे? अम्मी मैं तो चाहता था आप हमारे साथ चलती हैं, मेरे साथ रहती, लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया। अब आप बताएं मैं क्या करूं? ज़ोया भी यहां नहीं रहना चाहती। देख बेटा, उस घर में मैं शादी होकर आई थी, और इस बात को 30 साल हो गए। मैं जानती हूँ ये घर बहुत पुराना है, खस्ता हाल हो गया, खंडर बन गया, लेकिन ये तुम्हारे बाप की निशानी है बेटा, मैं ये छोड़ के नहीं जा सकती। अब इस बुढ़ापे में अगर मैं कहीं चली भी गई ना तो खुश नहीं रह पाऊंगी, और मोहसिन भी तो यहाँ पर है, कैसे चली जाऊं? नहीं अम्मा जी, आप हमारी वजह से बिल्कुल मजबूर ना हो, हम तो वैसे भी कुछ दिन में यहाँ से चले ही जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? नए घर में, वो मोहसिन ना नया घर तलाश कर रहा है, इंशाल्लाह किसी अच्छी सी जगह पे नया घर देख के ना हम तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। और इस घर का क्या होगा? जाहिर है ये घर तो बेचना होगा, और वैसे भी इस पुराने गंदे से घर में अब कौन रहेगा, बेचें, बेच के सबको सबके हिस्से दें, और वैसे भी हमें तो भाई पैसों की बहुत ही जरूरत है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बड़ा माल कमाया है ना तुम लोगों ने, मेरे बेटे को हराम की कमाई पे लगाने वाली भी तुम हो। सोया की बराबरी करना चाहती हो ना तुम, उसकी नकल में कर रही हो ना सब कुछ। अरे वो जो पैसा लाई है ना बंगला अपने बाप के बलबूते पर, और तुम? हाँ हाँ जानती हूँ, मेरे बाप ने मुझे कोई बंगला नहीं दिया, लेकिन देखना मैं बंगला लेकर रहूंगी वो भी अपनी जहानत से। आप लोगों को यहाँ पे ताने देने के अलावा कुछ और आता है क्या? कोई किसी की बराबरी ना कर ले, बस हद हो गई। मैं बता रही हूँ ये घर नहीं बिक सकता, तुम लोग महल खरीदो या बंगला, ये मेरे शौहर की निशानी है, और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, जिसको जहाँ जाना है दफा हो जाए यहाँ से। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जी ज़ोया, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके, मैं आपको लेने आऊंगा, आप नीलू को बुलवा कर पैकिंग करवा लें अपनी। नीलू देख, तेरी और मोहसिन के बीच में जो भी नाराजगी है ना बेटा, उसे खत्म कर दे, अपना दिल साफ कर ले, उसकी तरफ से है। देख जो मैंने उसे करने के लिए कहा ना, उसने वही कहा वही किया। मैं आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। हाँ मुझे काफी दुख था, लेकिन उस दुख को भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक हो जाऊंगा, चलता हूँ। आपदा पप्पो की वजह से उरूसा से नफरत कर रही है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है वलीद, कि तुम्हें लगता है कि आपदा की नफरत मैं तुम्हारे हवाले से भुला सकती हूँ। तुम आपदा की बेटी को मेरे घर लेकर आए हो अपने हवाले से, और ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे। तुम मेरे मान थे, मेरा तकब्बुर, तुम्हारी फरमाबरदारी मेरा गरूर था। इस लड़की ने मुझसे मेरी खुशी, मेरा गरूर सब कुछ छीन लिया, और तुम्हें लगता है कि मैं इसे माफ करूंगी? कभी नहीं।
वलीद भाई है ना, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं और यही ताकत भी। तुम अपनी ताकत को अपनी हिफाजत सौंप दो और बेफिक्र हो जाओ। अगर मोहब्बत के दावेदार अपने महबूब की इज्जत ना करवा सके तो उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को आशिक कहलवाए। मेरा बेटा गैरतमंद है क्या, उसकी इज्जत नहीं है? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना, वो लड़की हमारी बेटी का घर उजाड़ कर अपना नया घर आबाद करना चाह रही थी। खुदा के वास्ते जहीर, निकले अपने भांजी के प्यार से और अपनी अकल इस्तेमाल कीजिए। ऐसी बदकिरदार लड़की हमारी बहू नहीं रह सकती। इतना बुरा वक्त नहीं आया हमारा? बुरा वक्त देखने नहीं, बुरा वक्त ये है, बुरा वक्त। देखो अपनी औलाद को, अरुसा ऐसी ही है। बंद करो ये सारा मजनू बनना, समझ आई तुम्हें? वो लड़की बदकिरदार है। क्या भरोसा दिल को यूं जलाना, क्या जो नसीब में लिखा हो। क्या हुआ बेटा? बचताना क्या? बाबा मामा और बीनी ने झूठ क्यों बोला? रूसा पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया और उसा की इज्जत का एक औरत होते हुए भी, या उन्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? इतना बड़ा इल्जाम, हर बार वो दोनों मुझे तकलीफ देने के लिए क्यों करती हैं ये सब कुछ? वलीद बेटा, उसा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। जानता हूं, जानता हूं मैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग, ये लोग राहिल को गलत फेवर कर रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपने बाप पे इतबार है, यकीन है मेरी बात का, तो पास सुनो। है बाबा, मैं उर्वशी के बारे में जो भी बात करता हूँ अपने दिलो दिमाग की ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता हूँ। तुम देखना, मेरा अल्लाह बेगुनाह की बेगुनाही सामने लेकर आएगा। तुम भी उसे को बेगुनाह समझते हो, तो फिर वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन बदकिरदार और गुनाहगार नहीं हो सकती। और इस बात का यकीन है मुझे, पहले भी था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। तुम्हें सबूत मिला है? तुम जाते हो बेटा, तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। और नेक औरतों पे बहतान लगाना गुनाह असीम है। जब तक तुम्हें उसा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, बदगुमानी से बचना है तुम्हें। क्योंकि बदगुमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। मैं उसा की तरफ से बदगुमान नहीं हूं बाबा, ना कभी हो सकता। थैंक यू।
कहाँ जाने की तैयारी है मैडम? उरूसा से मिलने जा रही हूँ। कैसी है वो? बेहतर है, लेकिन बहुत परेशान और फिक्रमंद रहती है। क्या जिंदगी है उरूसा की, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, महके वाले रखने को तैयार ही नहीं। शहजाद बहुत ही लालची और मतलब परस्त निकला। अरगुसा के जरिए लंबा हाथ मारने के चक्कर में था, अब वो आस खत्म हुई तो बहन के लिए मोहब्बत भी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन उरूसा में वो चलाकी होशियारी नहीं है कि अपने ससुराल वालों से पैसे निकलवा सके। ठीक है, कम से कम भाभी से तो बहुत मुख्तलिफ। वैसे आपकी भाभी साहिबा ने दूसरे घर की तलाश शुरू कर दी, इसीलिए फिक्रमंद हूं। अम्मी कहां जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें अकेले रहने की आदत नहीं है। अरे तो आप उन्हें यहां ले आए ना, अगर उनका दिल लगता है तो। मैंने कहा था उनसे सामान रेडी रखें, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो ले आऊंगा। अच्छा आप रेस्ट करें, मैं फिर चलती हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज जल्दी आ जा, वैसे भी अरुषा को देखते ही तो मुझे भूल जाती है, और घर में अकेला रह के मैं क्या करूंगा। हाय मजलूम, तो ऐसा करें ना, आप भी मेरे साथ चलें। अरुषा के घर? नहीं भाई नहीं, भाभी है ना, पीछे पड़ जाएंगी मेरे, मैं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मैसेज करना जाके। ठीक है आंटी, जैसे आपका हुक्म। बिनी मैं 2 हफ्तों के लिए लाहौर जा रहा हूँ, कुछ बिजनेस मीटिंग्स है मेरी। पहले सोचा कि मैं बिनी को भी साथ ले जाऊं, लेकिन इसकी सेहत की वजह से यही फैसला किया कि आपके साथ ही रहेगी। क्या क्या हुआ मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और जा रही हूँ तुम्हारे साथ लाहौर। प्लीज आंटी आप इसे खुद ही समझा। क्या समझाएंगे आंटी मुझे? भाई क्या हो गया, राहिल बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रही लाहौर जाने की, अपनी सेहत देखो। प्लस मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, जरूरत है तुम्हारी। अब क्या जरूरत है मॉम, भगा तो दी परेशानी आपकी। हाँ कुछ और है, बाद में बात करेंगे ना। हाँ वैसे भी मेरे साथ रूम में 2-4 लोग तो होंगे, सुबह से लेके शाम तक मीटिंग से बहुत हैक्टिक स्केड्यूल है मेरा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। राहिल शादी के बाद हम हनीमून पर गए, मैं हनीमून पर भी खुश नहीं थी, उसके बाद डकैती हो गई, फिर ये हो गया तो वो हो गया, मुझे कहीं आउटिंग पर ले चलोगे? प्लीज मैडम तुम इस बात का ब्लेम मुझे मत दो। इवन मैंने तुम्हें कहा था कि चलो हम लोग कहीं ट्रिप पे चलते हैं, लेकिन तुमने मुझे साफ इनकार कर दिया। उसकी वजह बताऊं आंटी आपको? ये मैडम बिजनेस वूमन बनी हुई थी, एम्पायर बनाने के लिए बहुत बिजी थी, इन्होंने मुझे मना ही कर दिया। एनीवेज मैं एक प्लान बनाता हूँ, लाहौर से जैसे वापस आता हूँ कहीं अच्छे ट्रिप पे चलते हैं। व्हाट अ फैबुलस आईडिया, देखा प्लान बन गया, देखेंगे। वैसे बिल्कुल आप पे गए करो आंटी। वैसे उरूसा मैं नीलो आप ही की इस बात पर अग्री करती हूँ, तुम्हें इस खुशखबरी के बारे में फलीद भाई को बताना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी, जब एक बीवी काबिले एतबार नहीं होती तो एक बच्चे की माँ काबिले एतबार कैसे बन सकती है? वैसे तुम्हारे यहाँ आने से नीलो आप ही को तो बहुत मसला हुआ होगा ना? नहीं, शहजाद के मना करने के बावजूद भाभी ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी थी, वो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा अच्छी निकली। लड़कियों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना।
तुम कहाँ यूनिवर्सिटी की टॉपर, पूरा एतमाद स्टूडेंट, बाकी सबकी आइडियल हुआ करती थी, और अब कैसे कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रही हो? इसमें हम लड़कियों का नहीं, इस माशरे की सोच का कसूर है, जहां सिर्फ दौलत को अहमियत दी जाती है। इज्जत और जिल्लत जहां नापने का पैमाना दौलत हो, वहां शराफत किस भाव बिकेगी? तुम भी समझ सकती हो जोया। वैसे तुम्हें पता है साइमा आप ही अलग घर लेने का प्लान बना रही हैं? अच्छा पता नहीं मुझे, मेरी काफी दिनों से उनसे कोई बात नहीं हुई। क्यों, उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता क्या? नहीं, लेकिन शायद आज पता चल जाएगा, क्योंकि भाभी अपने महके गई है। ओ, ऑफ कोर्स। दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खोके यूं बचताना क्या। ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तुम्हें तो कोई इस काबिल समझता नहीं है कि कुछ बताए। मैं क्या बताऊं, उरूसा घर आ गई, शहजाद उसे रखने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, समझा बुझा के मैंने राजी किया उनको। देखा, ये होती है तरबियत। शाबाश बेटा, फखर है मुझे तुम्हारी तरबियत पर। फर्क ये है, जोया के नक्शे कदम पर चलेंगी। हाँ, अलग से कोठी चाहिए इन्हें, बंगला चाहिए इन्हें। तुम मेरा बहुत हंसाती हो, औकात देखी है तुमने अपनी? बहुत जल्द पता चल जाएगा सबको कि किसकी क्या औकात है। शिमी, ये किस बात का तंतना है भाई, क्यों स्टाइल दे रही है तुमने? ये जो इतनी ऊंची हवाओं में उड़ रही है ना, तुम देखना जरा, और जल्द ना ये आसमान से नीचे जमीन पे आके गिरेगी। वैसे ना एक बात तो अपनी जगह है, ये दोनों बहनें ना बहुत जिद्दी। अब उरूसा को ही देख लो, उसने कहा है कि बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताएगी। क्या वलीद को भी नहीं बताया उसने? अरे उसी से तो लड़के आई और ये बात छुपा के रखी हुई। पर मैं जानती हूँ, जिस दिन वलीद को ये बात पता चली ना, सर के बल दौड़ा चलाएगा। तो तुम ऐसा करो ना कि तुम वलीद को फोन करके बता दो। मैंने क्यों नहीं सोचा? वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। तो बस करो ना उसे फोन। हाँ कर लूंगी, पर उरूसा बुरा ना मान जाए, और वो भेल भदोड़ी है ना, अपनी बेटी को लेके बहुत हसास है। देखो तुम उसे फोन करना और उसे समझाना, वलीद को कहना कि मेरा नाम ना निकले, और तुम ये जो फोन कर रही हो ना, उरूसा से छुप कर कर रही हो, साफ साफ कह देना तुम उसे। ठीक है शिमी, करती हूँ कॉल। अरे भाई रोज रोज की खिदमत करती रहती है अम्मा उसकी, और घर का खर्चा अलग बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है लंबे अरसे के लिए आ गई है। ऐसे मुझे तुम पे हैरत है कि तुमने उसे घर में आने की इजाजत कैसे दे दी। अरे तुम भूल गई शिमी, इतने एहसानात हैं उसके, वही तो थी जो घर वालों को समझा बुझा के रिश्ते के लिए लाई थी, बस ये फेवर देने के हाथों ना मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। हाँ कर ली तुमने एक जज्बाती गलती ना, और देखो ये जो ससुराली मामले होते ना, इनमें ना इतना जज्बाती होना अच्छा नहीं होता, बस बेवकूफ कहीं की। अब जरा देखभाल के करना। सायमा का क्या करना है? छोड़ेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, बोलो। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ सारा रिकॉर्ड ऑफिस में ही रहने दो, कहीं शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? एक हल है मेरे पास।
आप ही मैंने खुद जोया को नहीं बताया, वो तो बिलाल मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर चला गया था। तो तुमने कभी अगर मुझे अपनी बड़ी बहन समझा होता ना, तो मुझे इधर उधर से बातें ना सुनने को मिलती तुम्हारे बारे में। बहुत खुश हो रही हो तुम कि तुम्हें नीलो ने वहाँ रहने की इजाजत दे दी है। फिक्र ना करो, चंद दिन में तुम्हें घर से निकाल बाहर करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी तुम्हें वो। क्या हो गया आप ही तुम्हें, क्यों इतने गुस्से में हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम हर दूसरे दिन अपने ससुराल वालों से लड़के क्यों आ जाती हो, चाहती क्या हो तुम? आप ही इधर लाओ मुझे तो, क्या कह रही है? अम्मी मैं इधर लाओ। हेलो, क्या बात है साइमा, क्यों रूसा को इतना डांट रही हो? बस अम्मी, मैं तो आपकी सगी औलाद ही नहीं हूँ, आपकी छोटी बेटी, आपका बेटा और आपकी बहू ही आपके लिए अहम है, बस। ज्यादा फजूल बातें ना करो मुझसे। यार जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें हजार दफा मैंने समझाया था ना, सगे रिश्तों में ऐसे दरार ना डालो, तो फिर पुख्तो होनी रिश्तों में ये फासला ना अम्मी, आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है। आपको क्या जरूरत थी नीलो को मेरी भाभी बनाने की? आपकी वजह से ना मेरा मैका छिन गया मुझसे, सिर्फ मेरे भाई की खुशी के लिए। बस बेटे की खुशी अहम थी आपके लिए, मेरा तो कभी नहीं सोचा आपने। तुम नहीं समझोगी इन मामला को। तुम मुझे ये बताओ तुम अलहदा घर ले रही हो क्यों? अच्छा पहुँच गई रिपोर्ट आप तक। क्यों ना लूं अपना घर बताएं, मेरा दिल नहीं है? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी जोया की तरह एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारूं? साइमा तुम जोया के साथ मुकाबला करना छोड़ दो, वो तो अमीर दौलतमंद बाप की बेटी है ना, इसलिए उसको तो हर चीज की आजादी है, जो चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी करे, है ना? और मैं तो गरीब और कंगलों की बेटी हूँ ना, इसलिए मैं तो अपने पैसों से भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकती भाई। अपने पैसे? कौन से अपने पैसे, यही तो मुझे फिकर हो रही है, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? साइमा तुम कहीं मोहसिन को किसी गलत रास्ते पर ना डाल देना। क्या, कौन सा गलत रास्ता, कैसा गलत रास्ता? मैंने कमेटियां डाल डाल के पैसे जमा किए। हाँ भाई मेरी तो अपनी माँ ही मुझ पे शक कर रही है, वैर लोग तो मुझ पर पत्थर उठाएंगे ना। सब चलते हैं मुझसे, सब चलते हैं। मेरी तो ना जूती को भी परवाह नहीं है, दुनिया मेरे बारे में जो सोचती है सोचे, मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। साइमा, साइमा, लड़की बहुत नादान है। मोहसिन एक बार फिर सोच ले, देखा अगर ये घर बिक गया ना तो कसम खुदा की तितर बितर हो जाएंगे, बिखर के रह जाएंगे हम लोग। मोहसिन अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे साथ रह सकती हैं, आप बिलाल के साथ रह सकती हैं, लेकिन आपको इस घर में अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना, आप अकेली नहीं रह सकती इस घर में। देख बिल्लू ने तो मुझसे कहा है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, चली जाऊंगी मैं बिल्लू के साथ रहने के लिए, लेकिन मोहसिन हाय मेरा घर, अरे मेरा घर मोहसिन। अरे अम्मी खंडर हो चुका है घर, अच्छे पैसे मिल रहे हैं बेच देते, अरे इससे पहले इसकी दीवारें गिरना शुरू हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे तू? तू नहीं जानता मुझसे, ये घर नहीं है, अरे ये तो मेरा दिल है, मेरा दिल। तेरे अब्बा ने ना बड़ी मेहनत से बड़े प्यार से बनाया था इसे, कैसे छोड़ दूं इसे, हाय मेरा घर। अम्मी 50 साल पुराना घर, और हम लोगों की भी तो कोई ख्वाहिशात है, ख्वाब है। देखिए हमने हमेशा माना है जो आपने कहा है, अब आप ही मान जाए, बेचने दे हमें घर। मोहसिन मेरा घर। अरे अम्मी कुछ नहीं होता, सभा में बहुत परेशान हूँ। राहिल गया है, मेरे दफ्तर का सारा रिकॉर्ड अपने ऑफिस में रख के लॉक करके चला गया, हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि मैं ऑफिस आऊंगा।
हाँ मगर दो हफ्ते के लिए गया है ना, जाहिर सी बातें चीजें संभाल के गया होगा, शायद चाबियां किसी को दे दियो। मैं सबसे पूछ चुका हूँ, सारे लोग लाइल में हैं। अच्छा खुद तो गया है, सारे स्टाफ को भी छुट्टी देके चला गया, ये बात मुझे परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों किया। नहीं आप स्ट्रेस ना लेना, कल सुबह उसको फोन कर लें, शायद उसने बीनी को बताया, आपको तो पता है बीनी भुलक्कड़ है। लग रहा है ऐसा ही हो। आप स्ट्रेस ना लें,